जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, 5 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है बीएसएससी सीजीएल, सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। यदि आप मैथ से पीड़ित हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, किन किन चैप्टर पर विशेष ध्यान देना है, करेंट अफेयर आदि संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा कि अब क्या करें। अब जो आपके पास समय है थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले बता दें, मैं डेली बोलता था कि एग्जाम होगा, डेट नहीं बढ़ेगा, ये तारीख को हो जाएगा और इस दिन को एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप देख लिए 10 बजे 10:30 तक अपडेट मिल गया सबको। बहुत सारे लोग अपडेट दिए, कोई बात नहीं, सभी लोग दे, थोड़ा सा ध्यान दे। पॉजिटिव बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं होगा, 100% नहीं होगा, फलना अधिकारी है, चिलना अधिकारी है, कुछ नहीं हुआ। आप लोग समझे, आपका जो चैनल है वह एग्जाम टूर चैनल है, अभ्यर्थियों का जो चैनल है वह एग्जाम टूर चैनल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले बता दें, एलसीएम एससीएफ का जो भी आपके पास नोट्स होगा उसको जरूर रिवाइज करेंगे, 100% रिवाइज करेंगे, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दशमलव भिन्न से आपको प्रश्न मिलेंगे, इस बात को आप देख लें। सरलीकरण से मिलेंगे, वर्गमूल घनमूल से रहेंगे, संख्या पद्धति से रहेंगे, औसत से रहेगा, ये बात आप ध्यान देंगे। औसत में आयु से जोड़कर औसत दिया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान में देंगे। आयु आधारित ये दोनों एक साथ पूछा जा सकता है। घातांक करनी साझेदारी से रहेगा। अनुपात समान अनुपात एक साथ प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 100% रहेंगे। प्रतिशत से आपका प्रश्न रहेगा, लाभ हानि से रहेगा, समय कार्य टंकी, और इसको मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा इसमें भी कौन सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक वीवीआई है, कौन सा प्रश्न किस तरीका से किस पैटर्न पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस बात को जानेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अब आपके पास जो समय है, नया पढ़ने का समय नहीं है, आप देखते होइएगा, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं आपके यहाँ जो चुनाव होता है, जो भी होता है, उसमें क्या कहा जाता है कि जो अंतिम समय है वो जो अपना कैडर वोट है उसको बचा लेना ही जीत दिलाता है। तो आप भी अभ्यर्थी हैं, आपका जो कैडर सब्जेक्ट है, जो कैडर प्रश्न आप बना पाते हैं, उसको बचा लेना ही आपका जीत है, आपका रिजल्ट है, इस बात को समझेंगे। तो आपसे मैं बता दूं किस पर विशेष ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, संपूर्ण जानकारी आपको अंत तक मिलेगी। थोड़ा सा मात्र 5 मिनट समय देंगे। SI CI है, पाइप टंकी है, समय दूरी है, रेल संबंधित है, नाव धारा है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घन घनाभ, स्टॉक और शेयर। अब थोड़ा सा देखिएगा, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसमें पर से प्रश्न मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस से मिलेंगे, SI और CI से 100% प्रश्न रहेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। अब से मैं बता दूं, किस जो होता है जिसको आप बट्टा बोलते हैं उनसे प्रश्न मिलेंगे, स्टॉक वाला जो प्रश्न होता है किस पर आधारित, वहां से प्रश्न मिलेंगे। आप आयतन का फॉर्मूला देख लेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेंगे, यहां से प्रश्न मिल सकते हैं, 100% तो नहीं कहा जा सकता है। औसत से आपको प्रश्न मिलेंगे, एलसीएम एससीएफ को देख लेना है, दशमलव से देख लेना है, समीकरण, यानी जो भी ये टॉपिक डाला गया है वह आपके लिए रामबाण साबित होगा, इसे जरूर देखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, इस बात को ध्यान देंगे। पीडब्ल्यू लेकर आया है 69 बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक गाइड करेंगे। भारत के सफल और अनुभवी टीम के द्वारा आपको पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। सबसे पहले बता दें, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सभी के एक अनुभवी टीम के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाई होगी। 20 फरवरी से क्लास शुरू हो रहे हैं, तो आप देर की इस बात का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ जाएं। इसमें फी की बात करेंगे तो मिनिमम फी है 3999 रुपया। यदि इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ET10 का प्रयोग करना होगा, एक कोड है ET10, इसका प्रयोग करेंगे तो 500 रुपया का तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एक मासिक पत्रिका मिलेंगे, मंथन मासिक समसमाय की पत्रिका पीडब्ल्यू के द्वारा, ये भी बेहतरीन होगा आप तैयारी में, ये बहुत कारगर साबित होगा। नए युग की शुरुआत, ऐतिहासिक लॉन्चिंग पीडब्ल्यू के द्वारा, तो आप जुड़े और विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क। आप हमेशा फंस जाते हैं SI और CI का जो मिक्स क्वेश्चन दिया जाता है उस टाइप वाला को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे देखेंगे इलेक्शन बेस्ड जो प्रश्न होता है प्रतिशत में, वहां से प्रश्न आपको पूछेंगे, उस प्रश्न को देख लेंगे, उस टाइप के प्रश्न को देख लेंगे, जरूर देखेंगे। और घातांक करने से देख लेंगे आयु और औसत वाला, आयु में भी औसत संबंधित जो प्रश्न होता है वह प्रश्न आपको दोनों को रिलेट करके पूछे जाएंगे। वर्गमूल घनमूल यहां से आप देखते जाए, दशमलव भिन्न से प्रश्न रहेंगे, रेकरिंग वगैरह से प्रश्न 100% रहेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। वर्गमूल घनमूल संख्यापति, अब बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप लगा देते हैं, देखिए जो आपका सिलेबस है,
सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका इसीलिए मालूम चलता है। मैं आपका सिलेबस प्रतिदिन देखता हूं, उस पर इससे पहले जितना एग्जाम हुआ कल जो रात में आपको अपडेट दिया उस समय से लेकर अभी तक मैं आप लोगों के सिलेबस और आप लोगों का जितना भी एग्जाम पूर्ववर्ती हुआ है उससे लेकर मैं तुलना किया तो सिलेबस पर किस तरीके से प्रश्न रहा इसको लेकर मैं ये सब अपडेट दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ गया और आप लोगों को अपडेट दिया, ऐसा मेरा काम नहीं होता है। वो बहुत सारा अध्ययन करने के बाद आपको अपडेट दिया जाता है ताकि आपको रिजल्ट हो जाए, आप अच्छा से तैयारी कर ले। चलिए अब आते हैं करेंट को क्या करना है, यानी कि अब आपको नया नहीं पढ़ना है। जो भी आप करेंट अफेयर का बुक रखे होंगे या रुक्मिणी का रखे हो या आप इडिटोरिया का रखे हो या एसपीडी का रखे हैं, जो भी आपके पास बुक है उसको अब रिवाइज कर लेना है। ये नहीं कि उस पर आपको विशेष लगातार याद करना है, केवल रिवाइज करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें क्या करना है आपको, जो बिहार से रिलेटेड है, जो यहाँ के विधान सभा से, विधान परिषद से या मुख्यमंत्री से, ये सारे चीजों से रिलेटेड है, जो अवार्ड मिला है, पुरस्कार वगैरह, उस पर भी ध्यान देंगे। जो विश्व स्तर पर यदि बिहार कोई बिहार के जो खिलाड़ी काम किए हैं या जो नियुक्ति हुआ है, उन सारे चीजों पर भी ध्यान देंगे और बिहार के जो योजना है उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद असम वगैरह राज्य का जो योजना है, यूपी का योजना है, उसके बाद जाएंगे पश्चिम बंगाल का योजना है, कर्नाटका का योजना है, इन सारे चीज को जो हाईलाइटेड योजना है उसको देख लेंगे। आगे जब बढ़िएगा तो जो आपका पुरस्कार वितरण हुआ है वो सारे चीजों को देख लेना है, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्मभूषण ये भी देख लेना है। आगे आइएगा तो नोबेल पुरस्कार भी देख लेना है, दादा साहब फाल्के अवार्ड देख लेना, जो भी अवार्ड से रिलेटेड है उसको देख लेना है। खेल खिलाड़ी यानी कि उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है, कौन सा खेल खेलते हैं, इन सारे चीज को भी देख लेना है। आगे आइए थोड़ा सा देखेंगे, जो भी प्रधानमंत्री को पुरस्कार मिला है उसको देख लेंगे, जो गवर्नर चेंज हुए हैं उनको भी आप देखने का प्रयास करेंगे, उनको भी याद कर लेंगे। गवर्नर से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर आपसे बता दें बिहार में 41 नंबर के गवर्नर हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे, कहीं संख्या पूछ दिया जाए, कहीं नंबरिंग इनका पूछ दिया जाए। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा बिहार मंत्रिमंडल को आप जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे आइएगा थोड़ा सा, जो बिहार में विद्यार्थियों के लिए जो योजना चलाया जा रहा है खासकर छात्राओं के लिए, उन सारे चीज को भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये आपका करंट के लिए बहुत बेहतरीन होगा, इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैथ्स और करंट को लेकर था। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो आज शाम में दूंगा, जो कि मैं सुबह अभी से लगा हूं उस पर रणनीति बना रहा हूं, उसको बहुत सारे बुक का मैं देख रहा हूं किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, वो बीएससी सीजीएल पहले वाला एग्जाम हो या इस बार जो तीनों शिफ्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद आप चले जाइए इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ था उसका, और उससे बाद जाइएगा तो दरोगा, उन सारे चीजों को देखने के बाद मैं शाम में आपको जीके जीएस को लेकर एक बताऊंगा अपडेट, और उसके बाद रीजनिंग को लेकर एक बहुत बेहतरीन अपडेट बताऊंगा। तो इसलिए ये देखें, और मैथ में जो है आज इसको आप फिक्स कर लें कि 2-3 चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना है, 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। वैसे अभ्यर्थी का रिजल्ट होता है, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं। ये यदि आप जिस दिन शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए, यानी छोटा सा नोट्स तैयार कर लिए 2 पेज 1 पेज का, तो समझिए आपका ये रिजल्ट के तरफ कदम है। और जब एग्जाम रहता है 5 दिन 10 दिन 1 सप्ताह रहता है, तो वह शॉर्ट नोट्स का 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, 100% आपका रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत खराब तैयारी किए हैं, जिनका रिजल्ट होता है वो बहुत रामबाण है, वह अजूबा पैदा लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका भी तैयारी आप ही के जैसा होता है, बस जो उनके शॉर्ट नोट्स होता है जिसको रिवाइज कर लेते हैं तो उनका संपूर्ण रिवीजन हो जाता है, एक सार जिसको बोला जाता है वह अच्छा होता है। तो शाम में मैं जीके जीएस को लेकर और साइंस को लेकर अपडेट दूंगा, तो उसमें भी जरूर बने रहेंगे, और कल रीजनिंग का फाइनली दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।